देखो नेक्स्ट प्रोसेस पे चल रहे हम लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके पहले आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस हो चुकी है, अब हम ले रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इट इज द प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोस फिजिकल चेंज सच दैट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो ये कंडीशन हुई है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ये नोट डाउन कर लो, याद रखना, व्हेन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज अ फिजिकल चेंज सच दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे ये कंटेनर है, इसमें है गैस, गैस फिल्ड किया हमने, तो फर्स्ट कंडीशन ये है। अगर आइसोथर्मल कंडीशन देखना है तो कंडीशन फॉलो कर लेंगे। वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के जो वॉल्स है दे शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग, वो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए ताकि जब हम सडनली गैस को समझो, या समझो स्लोली भी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज। ठीक है, फिर सुनो, सपोज हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, तो सराउंडिंग के साथ उसका हीट एक्सचेंज होना चाहिए ताकि टेम्परेचर क्या रहे, कॉन्स्टेंट। या हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम होगा तो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेगा, हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा तो सराउंडिंग को दे देगा, तो हीट एक्सचेंज प्रॉपरली होना चाहिए सराउंडिंग के साथ। इसीलिए याद रखना, वॉल्स ऑफ द कंटेनर शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए ताकि हीट एक्सचेंज हो सके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ये है सिस्टम और ये सराउंडिंग। ठीक है, फिर से सुनना, कंप्रेस करेंगे तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वो हीट सराउंडिंग को जानी चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर फिर से पहले जितना रहे कांस्टेंट रहे। उसके बाद अगर मान लो गैस को एक्सपांड किया तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तो जो वॉल्स है वो होने चाहिए परफेक्टली कंडक्टिंग। सेकेंड थिंग, हीट मैंने बताया कंप्रेस करेंगे तो गैस हीट होंगी या एक्सपांड करेंगे तो गैस कूल होगी यानी टेम्परेचर चेंज होगा, तो जो भी हम कर रहे हैं एक्सपांशन और कंप्रेशन, एक्सपांशन और कंप्रेशन, दिस प्रोसेस शुड बी वेरी वेरी स्लो। स्लो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर तुम सडनली कॉम्प्रेस या सडनली एक्सपांड करेंगे तो टेम्परेचर एकदम से चेंज होगा और सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज को इतना टाइम नहीं मिलेगा। बट अगर आप स्लोली कर रहे हैं और वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग है तो टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा और उतना टाइम मिल जाएगा कि वो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कर सके, यानी टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो हम इसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस व्हिच इज इनफाइनाइटली स्लो, इनफाइनाइटली स्लो, तो इतना भी स्लो नहीं करना है, पर याद रखना ये बात, मैं हमको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ये पहले भी समझाया है, द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस इनफाइनाइटली स्लो, यानी कंप्रेस कर रहे बट इतना स्लो, इनफाइनाइटली स्लो हम कंप्रेस कर रहे हैं कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, और वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग होने चाहिए। देख लो, बट याद रखना ये दोनों भी चीजें पॉसिबल नहीं है, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स मिलना मुश्किल है और प्रोसेस को वेरी वेरी स्लो यानी इनफाइनाइटली स्लो करना भी पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना कि आइसोथर्मल प्रोसेस जनरली हमको नहीं मिलने वाले। तो ये देख लो पहले, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये कंडीशंस है, हाँ कंडीशंस, बट दोनों भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, पर हम बता तो सकते हैं ना कि ऐसा रहा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम आइसोथर्मल प्रोसेस क्योंकि टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। इतना देख लो, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट के बारे पहले भी उसमें भी बताया था,
ठीक है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ठीक है, सो बॉइलिंग या फ्रीजिंग दोनों भी चीजें जो स्टेट ऑफ चेंज है यहीं पे होंगे और टेम्परेचर क्या रहेगा कॉन्स्टेंट। देखो फ्रीजिंग की जगह आप मेल्टिंग भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, जहां मेल्ट हो रहा है चाहे फ्रीज हो, तो लिखते समय वाटर का एग्जांपल अगर लेंगे बॉइलिंग ऑफ वाटर मेल्टिंग ऑफ आइस ऐसे लिख सकते। देख लो नोट डाउन कर लो। ये दोनों प्रोसेस आइसोथर्मल भी है और आइसोबारिक भी है, प्रेशर कांस्टेंट वाला उसमें भी बताया था टेंपरेचर कांस्टेंट ना करके। हां ये बिना है अब यहां लगेगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हो चुका है, गेल लिप्सिक लॉ हो चुका है, बॉयल्स लॉ था For a given mass of a gas at constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. ये हमारे को proof है, ठीक है? इसमें KTG में P into V is constant. Graph बनाएंगे अगर inverse variation है, indicator diagram हाँ, याद रखना P और V के बीच में अगर हम graph plot कर रहे हैं, तो it is called indicator diagram. अब temperature constant है. ये ग्राफ इनवर्स वेरिएशन का ऐसा आएगा, दिस इज T1। अगर मान लो मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं तो ग्राफ ऐसा आएगा, और टेम्परेचर चेंज करूं तो ग्राफ ऐसा आएगा, दिस इज T2, दिस इज T3। तो ये पूरा ग्राफ टेम्परेचर T1 कांस्टेंट था तब है, ये ग्राफ टेम्परेचर T2 कांस्टेंट था तब है, ये ग्राफ टेम्परेचर T3 कांस्टेंट था तब है। तो याद रखना ग्राफ देख के याद रखो, यहां पे T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ग्राफ अगर दिया है पहचानना रहा कि कौन सा टेंपरेचर ज्यादा है तो T3 ज्यादा है, तो उसमें प्रेशर भी ज्यादा और आगे स्लोप देख लेना उसका। ठीक है तो ये याद रखना स्लोप का बता था कि मीटर में ये ग्राफ मीटर है, ये है तो याद रखना टेंपरेचर कौन सा ग्रेटर है पहचान में आना चाहिए। Now, इसको डिफरेंशिएट कर रहे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे P इंटू फर्स्ट कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस अब P का डेरिवेटिव इंटू वी कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो, सो पी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस डी पी इंटू वी, वी पहले करते हैं स्लोप निकालेंगे अगर इसका, समझो यहाँ पे ऐसे लाइन बना लेंगे, ये एंगल है थीटा, स्लोप निकाल रहे समझो, तो नेगेटिव आएगा स्लोप इसका, देखते हैं अभी। हाँ स्लोप वाई कोऑर्डिनेट यानी डीपी अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट यानी डीवी, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट डीपी अपॉन डीवी, तो इट इज माइनस पी अपॉन वी, ये हो गया स्लोप। स्लोप बोलो या याद है तुम लोगों को शायद पहले बताया स्लोप मतलब टैन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ बाकी भी वो फिर से बना देता हूँ, एक ही इसका लिया ये हमने, ये लिख लेना लगे तो ग्राफ बना लेना अलग से बना लेना लगे तो ये देख के भी पहचान कर आना चाहिए कौन सा टेम्परेचर ग्रेटर है, थ्री थ्री और सबसे कम T1। देख तो ये तो पॉइंट पहले भी हो चुके हैं, ये हमारा फर्स्ट नहीं इसके पहले वाला कंडीशन फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, याद रखो एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव वर्क डन, ये पहले भी बताया पी और वी का एरिया क्या मिलेगा वर्क डन,
अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा तो वर्क डन निगेटिव। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोथर्मल, ये भी हुआ है अपना पहले, आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस, आइसो थर्मल न्यूटन्स थ्योरी में हुआ है। साउंड वाले में लिया था हम लोगों ने कि न्यूटन ने बोला था कि जब साउंड ट्रैवल करता थ्रू एयर तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। उन्होंने अडायबेटिक बल्क मॉड्यूलस, आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं उसको, पी लिया था, हुआ है देख लेना वो 11th वाले साउंड वाले चैप्टर में। फिर लैपलेस ने उसमें करेक्शन किया था, तो लैपलेस करेक्शन का हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस 11th का। अगर आप देखेंगे साउंड चैप्टर तो उसमें ये आपको देखने को मिल जाए आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला के इज इक्वल टू माइनस डीपी इनटू वी अपॉन डीवी, तो डीपी अपॉन डीवी, डीपी अपॉन डीवी माइनस इधर ले लो तो बचेगा खाली पी अपॉन वी इनटू वी। सो के आई आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस इज, और फिर जब लैपलेस ने करेक्शन किया था तो उन्होंने बोला था आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, स्लो प्रोसेस नहीं है, वो फास्ट प्रोसेस है, तो उन्होंने अडायबेटिक बल्क मॉड्यूलस लिया था गैमा इनटू पी। तो अडायबेटिक में हम गैमा इनटू पी प्रूफ करेंगे, पर अभी फिलहाल ये याद रखो और एक बार वो 11th का जो टेक्स्ट बुक सामने खोल के देख लेना, न्यूटन्स फॉर्मूला और लैपलेस करेक्शन। तो उन्होंने बोला था साउंड न्यूटन ने कि जब ट्रैवल करता तो इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उन्होंने के आई आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस लिया था इक्वल टू पी, पर लैपलेस ने उसमें करेक्शन किया था कि ये स्लो प्रोसेस नहीं है, ये अडायबेटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस उन्होंने कैंसिल किया। तो गामा इनटू पी लेके सॉल्व किया था तो साउंड की वेलोसिटी 332 मीटर पर सेकंड आई थी, पर जब न्यूटन ने के आई इज इक्वल टू पी लेके सॉल्व किया था तो 280 मीटर पर सेकंड आया था, 16% का एरर था। तो वो आपको 11th की टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, ये वहां डायरेक्ट लिया था, अभी आ गया कि ऐसा क्यों लिया। आगे चले एक बार मैं जो बोल रहा, 11th का साउंड वाला चैप्टर खोलना और उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड के इसमें देख लेना, एक था लैपलेस करेक्शन, एक न्यूटन्स फॉर्मूला। तो पहले न्यूटन्स फॉर्मूला है उसमें एरर था, फिर लैपलेस ने करेक्शन किया उसमें लैपलेस करेक्शन है। तो न्यूटन ने लिया था आइसोथर्मल प्रोसेस, तो के आई इज इक्वल टू हमने पी लिया, देख लेता हूं वो पूरा डिटेल में नहीं लेंगे। स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6 क्यू अपॉन म्यू, या एम भी लिख सकते डीटी, बट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो डीटी इज जीरो, तो सी इज इनफाइनाइट। तो स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट ये था कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, या 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। बट आप यहाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं तो आप कितनी भी हीट देंगे तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होने ही नहीं वाला, टेम्परेचर इंक्रीज हो ही नहीं रहा, तो डेफिनेशन में हमने बोला है थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, तो आप कितनी भी हीट देंगे टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है, इसीलिए स्पेसिफिक हीट क्या है इनफाइनाइट। देखो बाकी प्रोसेस में भी हमने सेम ऐसे स्टेप्स लिए हैं, लॉ कौन सा फॉलो कर रहा है, बल्क मॉड्यूलस निकाला है, वर्क डन निकाला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लेकिन नेक्स्ट पॉइंट जो भी हमको डाल देना, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी आई वी एफ पी डी वी, इसको हम थोड़ा चेंज करके लिख रहे हैं VI VF इनिशियल फाइनल वॉल्यूम।
पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, आप चाहे तो एन भी लिख सकते हैं. सो पी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी अपॉन पी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी अपॉन वी, वो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे पी की जगह म्यू आर टी अपॉन वी. ठीक है, वो नोट आउट कर लो मिटा देंगे. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू कॉमन कॉन्स्टेंट बाहर म्यू आर टी इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वी और ये डी वी वी आई और ये वी एफ. ठीक है, तो ये सब्सटीट्यूशन यहाँ का है, उसको मिटा देते हैं यहाँ से. So it is mu r t. One upon v मतलब log to the base e है, तो हम log to the base e को ln एन लिखते, याद रखना to the base e समझ जाना. v और आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो हम कर लेंगे. तो अभी हटा रहा फाइनल फॉर्मूला याद रखने म्यू आर टी लॉग एल एन मतलब टू द बेस ई, याद रखना एल एन कहीं दिखा तो हम समझना लॉग टू द बेस क्या है ई. एल एन अपर लिमिट वी एफ माइनस एल एन वी आई, तो लॉग ए माइनस लॉग बी इट इज म्यू आर टी लॉग ऑफ वी एफ अपॉन वी आई. ई टू द को टेन टू द बेस टेन करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे म्यू आर टी. अब हम लिखेंगे लॉग, ये है हमारा टू द बेस टेन, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है. वी एफ अपॉन वी आई एंड दिस इज द फाइनल आंसर. बहुत बेहतर. तो और या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू म्यू आर टी हो सकते 2.303 तो वहाँ से दिखेंगे. ठीक है, पहले इतना नोट डाउन करो, ये मीटर के लिखते फिर क्या टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ये हटा रहा, नोट डाउन करो फिर लिखते उसकी जगह. तो यहाँ लिख दिया था वो फाइनल स्टेप, आप ऐसे भी लिख सकते वर्क डन इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू म्यू आर टी लॉग, ये टू द बेस 10 है याद रखना, चाहे तो लिख भी सकते एल एन जो लिखा है वो टू द बेस ई है, चाहे तो वो भी लिख सकते. अब यहाँ पे एल एन नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूरा लॉग लिखना टू द बेस ई ऐसा भी लिख सकते, पर जनरली टू द बेस ई रहा तो एल एन लिखते और टू द बेस 10 रहा तो पूरा एल ओ जी लॉग लिखते. हाँ, अब अपन ने अभी देखा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बॉयल्स लॉ, तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते पी आई अपॉन पी एफ, ये भी वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग बना सकते. इसके बाद ये स्टेप करते हैं, उल्टा कर दिया देखो इनवर्स वेरिएशन था तो यस. स्टेप्स याद रखना नहीं है, ये भी याद रहे तो बहुत है. चलिए हम लोग वो रेफ्रिजरेटर था या हीट इंजन था, तो वो कैरनॉट इंजन था, तो वो आप लोगों ने थ्योरेटिकल इक्वेशन है रेफ्रिजरेटर का हीट इंजन, वो फाइनल जो टॉपिक है फिर वो हम आप लोगों के लिए छोड़ देंगे, जो एक्स्ट्रा है वो अपन ले रहे. अब लेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स.
delta q is equals to delta u plus delta w. Delta u is equals to 0, q 0, delta u यानी change in internal energy, ये depend करती temperature पे, और अभी हमने बोला है कि temperature constant है, तो change in temperature 0, तो delta u is also 0. So delta q is equals to delta w. जो भी हम energy supply करेंगे, it is converted into work done. Heat, temperature नहीं, temperature change नहीं होना चाहिए, देख. तो अगर आपने हीट सप्लाई किया तो वर्क होगा सिस्टम पे, ठीक है. देखो आप लिख सकते हैं हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन ऑन सराउंडिंग. Supply to system. देख ये आता है, ठीक है. अब उल्टा भी चल सकता हूँ. Work हमने किया done on the system. अब हम work कर रहे हैं system पे, जैसे गैस को compress कर रहे हैं. तो heat is given to surround. हीट कहाँ जाएगी सराउंडिंग में, वहां नहीं रहेगी. हाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो हीट कहाँ चले जाएंगी सराउंडिंग में. हम गैस को कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो हीट जो जनरेट होगी वो सराउंडिंग में चलेगी, ठीक है. देखिए तो ये याद रखना, हीट इज लिबरेटेड या हीट इज गिवन टू द सराउंडिंग. तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट लेते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस. नेक्स्ट देखो है अडायबेटिक प्रोसेस. नाउ व्हाट इज अडायबेटिक प्रोसेस? इट इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेयर द थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडरगोज अ फिजिकल चेंज सच दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट. हीट एक्सचेंज नहीं होने वाली. सो वी कैन से डेल्टा क्यू जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, चेंज इन डेल्टा क्यू इज सी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी सप्लाई, तो वो एक्सचेंज होने ही नहीं वाला, ठीक है. तो फिर से सुनना, अडायबेटिक प्रोसेस इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडरगोस फिजिकल चेंज सच दैट. कंडीशन क्या है? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट. सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं है, यानी डेल्टा क्यू इज जीरो. तो उसके लिए कंडीशन है, इसके पहले जो लिया उससे अलग रिवर्स ही है समझो आइसोथर्मल प्रोसेस से. तो फर्स्ट थिंग ये समझो कंटेनर, ठीक है. इसमें है गैस, ये गैस, ठीक है. नाउ द वॉल्स शुड बी परफेक्टली इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग होने चाहिए परफेक्ट ताकि हीट एक्सचेंज हो नहीं. ये देखो फर्स्ट कंडीशन लिखी, ये डबल कर दिए इसको ऐसे, परफेक्टली इंसुलेटिंग होने चाहिए वॉल्स. फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे वॉल्स, walls of the container should be perfectly insulating. Perfectly insulating मतलब there will be no heat exchange. बाहर की दीवार अंदर की हीट अंदर, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होने वाला. सो वॉल्स Part of the container should be perfectly insulating. पहला point. Second condition ये है,
प्रोसेस जो हम करने वाले गैस के साथ, मान लो कंप्रेशन बोलो या एक्सपांशन बोलो, शुड बी वेरी वेरी फास्ट सो दैट देयर इज नो टाइम फॉर हीट एक्सचेंज, यानी एनर्जी हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन है, आइसोथर्मल से उल्टी है। आइसोथर्मल में हम लोग ने बोला था परफेक्टली कंडक्टिंग होने ले चाहिए, यहाँ हमने परफेक्टली इंसुलेटिंग लिखा है, वहां हमने बोला था प्रोसेस स्लो होनी चाहिए, यहाँ हम बोल रहे प्रोसेस फास्ट होनी चाहिए। लॉजिकल याद रखो क्यों ऐसा बोल रहे, अगर इंसुलेटिंग है तो अंदर की हीट अंदर रहेंगी, बाहर की हीट बाहर रहेंगी, यानी सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता थर्मस फ्लास्क के जैसे। और अगर कोई कॉम्प्रेशन या एक्सपांशन हम लोग कर रहे हैं, इट शुड बी वेरी वेरी फास्ट सो दैट देयर इज नो टाइम फॉर हीट एक्सचेंज। फर्स्ट एग्जाम्पल यही है कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन शुड बी वेरी वेरी फास्ट। कॉम्प्रेशन या एक्सपांशन जो भी होगा वो होना चाहिए वेरी वेरी फास्ट। पहला एग्जाम्पल वो यही एग्जाम्पल लिया है हम लोग, देखो सेकेंड ले सकते आप लोग, बर्स्टिंग ऑफ टायर, सडन ही होता वो बर्स्टिंग। टायर अगर फूट गया तो पूरी एयर अंदर से सडनली बाहर आ जाती, यानी एयर पहले टायर में कॉम्प्रेस थी और एक्सपांशन कैसा हुआ सडन, यही है सडन एक्सपांशन। तो बर्स्टिंग ऑफ टायर कौन सी प्रोसेस में आएगा, अडायबेटिक प्रोसेस। टायर में पहले पूरा पैक था, जैसे ही हमारा टायर बर्स्ट हुआ गैस सडनली एक्सपांड हो गई, उसमें तो बाउंडेड थी ना, तो सराउंडिंग में आ गई, मतलब सडनली क्या हुई है एक्सपांड हुई है। देयर इज नो टाइम फॉर हीट एक्सचेंज, स्लो प्रोसेस नहीं है, बर्स्टिंग ऑफ टायर इज अ फास्ट प्रोसेस। और अभी जैसे मैंने बताया था लैपलेस करेक्शन, उन्होंने साउंड का लिया था प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर, तो न्यूटन ने बोला था कि वो स्लो प्रोसेस है, तो इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, पर उनका आंसर एक्सपेरिमेंट के साथ मैच नहीं हुआ। मैं फिर से बोल रहा एक बार 11th की बुक निकालना, न्यूटन्स फॉर्मूला देख लेना, उन्होंने बोला था वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो उन्होंने अडायबेटिक बल्ब, सॉरी आइसोथर्मल बल्ब मॉडुलस लिया था KI = P, पर लैपलेस ने उसमें करेक्शन किया और उन्होंने बोला कि ये प्रोसेस स्लो नहीं है, ये प्रोसेस फास्ट है जो कि होनी चाहिए। तो ये है अडायबेटिक प्रोसेस। फिर अडायबेटिक बल्ब मॉडुलस हम लोग अभी निकालेंगे, KA = γ × P, वेयर गैमा इज CP/C, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला था, तो ये भी एग्जांपल आप इसमें डाल सकते हैं। तो कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन होना चाहिए वेरी वेरी फास्ट, उसमें ये एग्जांपल याद रखना। बस्टिंग ऑफ टायर अगर आया फिल्म ब्लैंक में तो याद रखना वो अडायबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि सडन एक्सपांशन हो रहा, सडन एक्सपांशन वेरी वेरी फास्ट, सडन एक्सपांशन फास्ट होना चाहिए। तो यहां लिख सकते हैं आप लोग सडन एक्सपांशन और सडन कॉम्प्रेशन, सडन एक्सपांशन या सडन कॉम्प्रेशन, या फास्ट भी बोल सकेंगे चलेगा। तो बस्टिंग ऑफ टायर उसी में आएगा, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर, स्टीम इंजन में भी ऐसा ही होगा, सडनली स्टीम इंजन से बाहर आती तो सडनली एक्सपांड होती, तो वो भी इसमें डाल सकते हैं एक्सपांशन ऑफ स्टीम इन द स्टीम इंजन, वो भी आ सकता है इसमें सडन एक्सपांशन रहता वो। तो ये देख लो पहले इंस्ट्रूमेंट, देखो पहले अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ले लेते हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, पर हमने देखा है अभी डेल्टा क्यू इज जीरो, सो वी कैन से ये माइनस ले लेते, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। इसका मतलब होगा फर्स्ट देखते, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा यू की वैल्यू आएगी निगेटिव, मतलब टेम्परेचर होगा डिक्रीज, तो हम लिखेंगे अडायबेटिक
एक्सपांशन, वर्क डन हो रहा है ना, वर्क डन पॉजिटिव है, मतलब क्या कर रहे हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं, सराउंडिंग पे वर्क हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। एडियाबेटिक एक्सपांशन रिप्रेजेंट या कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो, मतलब कूलिंग। देखिए याद रखा, वर्क डन पॉजिटिव है, देनी डेल्टा यू नेगेटिव है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव मतलब टेम्परेचर डिक्रीज, मतलब ये हो गया एडियाबेटिक कूलिंग। देखो एडियाबेटिक एक्सपांशन मींस एडियाबेटिक कूलिंग, या हम बोल सकते हैं कूलिंग प्रोसेस। तो किसी भी चीज को, गैस को अगर हम सडनली एक्सपांड करेंगे, सडनली एक्सपांड, तो टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो रेफ्रिजरेटर का जब एग्जांपल समझाया था तो उसमें ऐसा ही था कि जो कंप्रेसर है वो पहले गैस को सडनली एक्सपांड करेगा, सडन एक्सपांशन की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होगा और वो रेफ्रिजरेटर में से हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब। सेकेंड पॉइंट, अगर वर्क डन नेगेटिव है, मतलब हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, सडन कंप्रेशन है, डेल्टा यू अब हो जाएगा पॉजिटिव, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, हाँ, तो मतलब टेम्परेचर होगा इंक्रीज, तो इसको बोलेंगे हम अडायबेटिक कंप्रेशन, तो ये हो जाएगी हीटिंग प्रोसेस। आप अगर साइकिल में कभी पंप से, हाथ वाले पंप से हवा भरेंगे तो हम गैस को सडनली कंप्रेस करके टायर में भेजते, फिर उठाते, फिर सडनली कंप्रेस करते, फिर टायर में भेजते। अगर आप 5-6 बार 10 बार अगर पंप फटाफट यूज करेंगे तो आप पंप को टच करके देखना, यू कैन फील दैट हीट, क्योंकि गैस को, एयर को सडनली आप कंप्रेस कर, ठीक है, ये याद रखना। सडन एक्सपांशन से कूलिंग होगा, सडन कंप्रेशन से हीटिंग होगा गैस का। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एडियाबेटिक प्रोसेस में दे डू नॉट ओबे बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ओबे नहीं होगा, तो दूसरा लॉ ओबे होगा, ये हमारा नहीं है पर आप लोगों ने याद रखा शायद केमिस्ट्री में हुआ होगा, पॉइजन्स लॉ ओबे होगा, ठीक है। तो वो है पी वी, जैसे बॉयल्स लॉ में हम क्या लिखते हैं, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हम यहां लेंगे गैमा, इट इज कॉन्स्टेंट, पी वी रेस टू गैमा इज कॉन्स्टेंट, ये है पॉइसन्स लॉ, ये याद रखना। और गैमा की का हमको पता है इट इज द रेशियो ऑफ सी पी अपॉन सी, सेकेंड ये याद रखो, पी वी रेस टू गैमा इज कॉन्स्टेंट। तो तीनों लॉज बदल रहे हैं हम लोग, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेल यूसेक लॉ की जगह हम लोग ये लॉज यूज करेंगे, P raised to gamma, P raised to gamma minus 1, it is constant. तो ये तीनों याद रखना आप लोगों ने, ये gamma है, ये। तो Boyle's law obey नहीं होगा, obey होगा Poisson's law, तीनों याद रखना। ये आइडियल गैस विल नाउ नॉट ओबे बॉयल्स लॉ, ये वाली कंडीशन में एडियाबेटिक प्रोसेस में बॉयल्स लॉ ओबे नहीं होने वाला, ये क्रॉस, ठीक है, क्या ओबे होगा, पॉइजन्स लॉ। तो ये तीनों इक्वेशन याद रखो, ये और ये, और गैमा मतलब सीपी अपॉन सीवी। मोनोएटॉमिक गैस, ये बताया था मैंने आप लोगों को, गैमा की वैल्यू 1.6, डायएटॉमिक गैस गैमा की वैल्यू 1.4, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक रहा तो 1.33, वो नहीं आएंगे जल्दी, ये दो याद रखो, गैमा की वैल्यू गिवन रहेगी, नहीं रही तो याद रखो।
पॉली एटॉमिक यानी ट्राइएटॉमिक गैस के लिए 1.33, मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1.6, डायएटॉमिक गैस के लिए 1.4, पॉली एटॉमिक यानी ट्राइएटॉमिक गैस गामा इज इक्वल्स टू 1.33, याद रखना। ये देख लो पिरामिड का, तो याद रखना। नाउ इन अ डायबेटिक प्रोसेस आइडियल गैस विल नॉट ओबे बॉयस लॉ, पीवी इज कांस्टेंट ओबे नहीं होगा, पीवी रेज टू गामा ये ओबे होगा, तो गामा इज सीपी अपॉन सीवी, ये वैल्यूज याद रखो और ये इक्वेशन दोनों भी याद रखो, ये तो याद रहेगा पीवी रेज टू गामा इज कांस्टेंट और ये दो इक्वेशन। ये अपॉन में ले लेंगे तो गैमा साथ में रखेंगे, अपॉन में बचेगा v, तो कैसे हुआ देखना, 1 अपॉन v रेस टू गैमा और इनटू ये अपॉन में कर लिया तो v रेस टू, ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो गैमा और गैमा कैंसिल एडिशन होगी, तो ये सो dv अपॉन फॉर dv अपॉन dv कर दिया अपने, स्लोप चाहिए था dv dp अपॉन dv, dp और अपॉन में ये dv वही बचेगा, तो dp अपॉन dv इट इज इक्वल्स टू माइनस गामा इनटू p अपॉन, ये आ गया हमारा स्लोप का फॉर्मूला, ये देख लो फिर हम लोग आगे चलते हैं। इस पे आप दो पॉइंट लिखने वाले हैं हम लोग, पहले इतना देख लो फिर आगे चलते हैं। ये स्लोप का फॉर्मूला हो गया, ये बेटा मतलब कि देख
बल्क मॉडुलस ले रहे हैं, अब हम बोलेंगे उसको एडायबैटिक बल्क मॉडुलस। ये ए इज इक्वल्स टू द नेक्स्ट पॉइंट में डालना जो भी नंबरों में देखना, माइनस डीपी इनटू वी अपॉन डीवी, तो डीपी अपॉन डीवी, डीपी अपॉन डीवी ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, ये बचेगा गामा इनटू पी अपॉन वी और ये वी वी कैंसिल, सो गामा इनटू पी, ये है एडायबैटिक बल्क मॉडुलस। लैपलेस ने उसमें जब करेक्शन किया था तो उन्होंने बोला था गामा इनटू पी लेना है, क्योंकि जब साउंड ट्रैवल करता इसमें से एयर में से तो उन्होंने बोला था दैट प्रोसेस इज फास्ट एडायबैटिक प्रोसेस, तो उन्होंने एडायबैटिक बल्क मॉडुलस दिया था के ए गामा इनटू पी। गामा की वैल्यू या तो 1.6 मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक गैस के लिए 1.4, ट्राईटॉमिक गैस के लिए 1.33। एक चीज ये हो गई, अब ये मिटा के इस पर से दूसरा लिखते हैं वो देखते हैं। और भी प्रोसेस बचे अपने, नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे वो भी, आज ये तो लेंगे, तो ये मिटाना। अब ध्यान देना एडायबैटिक स्लो और कौन से इसमें ले रहे हैं एडायबैटिक, तो हम इसको ए डी आई कर देते हैं, तो क्या है फॉर्मूला हमारा, माइनस गामा पी अपॉन वी। अब इसके पहले वाला देखना स्लो, इसके जस्ट पहले वाला अभी ये वीडियो में जो लिया है, पर कौन से इसमें का आइसोथर्मल प्रोसेस का, इसके पहले लिया हमने आइसोथर्मल प्रोसेस, ये एडायबैटिक प्रोसेस, तो वहां फॉर्मूला आया था माइनस पी अपॉन वी। एक बार वीडियो पॉज कर लो और वो देख लो फिर से, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इस इक्वेशन को देखो मैं कैसे लिख सकता, स्लोप ऑफ एडायबैटिक प्रोसेस इट इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस चला गया उसमें तो हटा देते, बचेगा गामा, ये गामा वैसे माइनस पी अपॉन वी, यानी ये लिख रहे स्लोप, पर कौन से प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आइसोथर्मल और अडायबैटिक के जो ग्राफ रहेंगे एक साथ में, अगर आया आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ, क्योंकि दोनों का ग्राफ हमने सेम बनाया ऐसे इनवर्स वेरिएशन का, तो पहचानना कैसे कि दो ग्राफ दिए हैं तो उसमें आइसोथर्मल वाला कौन सा है और अडायबैटिक वाला कौन सा है, वो पहचानने के लिए ये इक्वेशन काम आएगा, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे कंपैरिजन, पर ये याद रखना। तो हम इस पर से हम लिख सकते हैं अभी स्लोप एडायबैटिक प्रोसेस में अपॉन स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस में इट इज इक्वल्स टू गामा, गामा बचेगा देखो एंड गामा इज ग्रेटर देन 1.6 1.4 या 1.33, तो हम लिखेंगे कि दिस स्लोप इन एडायबैटिक प्रोसेस अपॉन स्लोप इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन 1, फिर हम उसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम बोल सकते वो एक स्टेप आपको भी डालना, अच्छा चलो मैं ही डालता हूं, स्लोप इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन 1, इट इंप्लाइज इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, स्लोप इन एडायबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन स्लोप इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो स्लोप देख के पहचान सकेंगे ये ज्यादा स्टीप रहेगा ये कम स्टीप रहेगा, स्लोप पर से पहचान पाएंगे, देखो एक बार। तो कंपैरिजन में ये हमें वापस से बताऊंगा, तो वहां ये इतना याद रखना आप लोगों ने, तो फिर देखेंगे उसको, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपैरिजन लेंगे, अभी ये होने का है इतना देख लो पहले। और ये याद रखना स्लोप पर से पहचानेंगे, जिसका स्लोप ज्यादा है एडायबैटिक, जिसका स्लोप कम है वो आइसोथर्मल, कंपैरिजन है, कंपैरिजन देखेंगे बाद में।
तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम कंपैरिजन लेंगे ना, तो आप लोगों ने ये याद रखना कैसे प्रूफ किया है स्लोप, समझाऊंगा कि देखना कैसे स्लोप किसका ज्यादा किसका कम है, पर याद रखना स्लोप ऑफ अडायबेटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो ये बस आप लोगों ने याद रखना, कल के वीडियो में हम कंपैरिजन लेंगे उसमें ये समझा देता हूँ, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं आगे स्पेसिफिक हीट बचा है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला जनरलाइज सी इज इक्वल टू म्यू एम पी ले सकते हैं अभी फिलहाल, एम क्यू एनर्जी सप्लाई एम सी बी टी, ठीक है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम बी टी, तो ये डेल्टा क्यू है, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो, तो स्पेसिफिक हीट भी एक्सचेंज होने नहीं वाली। तो हमने स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बोला था अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, अब अपन हीट दे ही नहीं पाएंगे, एक्सचेंज ही नहीं होने वाला, तो स्पेसिफिक हीट कितनी रहेंगी, जीरो, ये वाली केस। नेक्स्ट देखते वर्क डन, लास्ट है ये, फिर कंपैरिजन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया है, वर्क डन वाला जो इसके पहले वाले वीडियो में है वो देख लेना फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ वी आई वी एफ पी बी वी, ये अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा वर्क डन के इसमें, अगर आप लोगों ने लिखा होगा तो उसमें देख लेना या इसके पहले वाले वीडियो में देख लेना, जहां हमने वर्क डन तीन चीजें ली थी, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, तो वर्क डन में ये फॉर्मूला लिया हुआ है पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई अपॉन गैमा माइनस वन, तो वहां ये प्रूफ करके दिया है, तो आप लोगों ने देख लेना। तो कंपैरिजन वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ये देख लेना बहुत टाइम मैंने इसको ऐसे भी लिखा था म्यू आर पी एफ इज इक्वल टू म्यू आर टी पी एफ माइनस पी आर अपॉन गामा माइनस वन, तो ये है पूरा वर्क डन में लिया हुआ है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पहले लेंगे कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल और अडायबेटिक प्रोसेस, अगर ग्राफ आया आइसोथर्मल और अडायबेटिक प्रोसेस का तो कैसे पहचानना, तो स्लोप का मैंने जो बताया वो एक बार आप लोग लिख लेना और स्लोप का याद रखना, नेक्स्ट इसमें देखेंगे, फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस और फ्री एक्सपांशन, ये लिख लेंगे हम लोग, तो ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा रिवर्सिबल की रिवर्सिबल के बाद। फिर मैं क्या करूँगा, मिक्स्ड ग्राफ, अगर सभी प्रोसेस का ग्राफ एक ही इसमें आए तो कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको पहचानेंगे कैसे वो बता दूंगा, पर वो जो लास्ट वाला टॉपिक है रेफ्रिजरेटर हीट इंजन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट ले लेंगे, पर उसके जो एप्लीकेशन है हीट इंजन है रेफ्रिजरेटर है वो आप लोगों ने वीडियो में है ही देख लेना, नोट्स नहीं दिए तो उसके ठीक है मैं दे ही दूंगा जब आप लोग लॉकडाउन के बाद आएंगे, तो वो आप लोगों ने वीडियो में देख लेना उतना पार्ट, ठीक है। तो मिक्स ग्राफ भी समझा दूंगा कि सभी प्रोसेस के ग्राफ एक साथ में आए और उन्होंने पूछा कि 1 2 3 4 5 ग्राफ है उसमें से ये बताओ कि आइसोथर्मल का कौन सा है या अडायबेटिक का कौन सा है या आइसोकोरिक का कौन सा है आइसोबारिक का कौन सा है, तो वो पहचान जानना चाहिए, तो वो भी हम लोग ले लेंगे, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। तो कंपैरिजन लेने वाले हैं आइसोथर्मल और अडायबेटिक, तो आइसोथर्मल और अडायबेटिक प्रोसेस देख लेना, फिर उनका कंपैरिजन ग्राफ का समझा दूंगा, स्लोप का जो बताया वो याद रखना, अडायबेटिक ग्राफ का स्लोप ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कंडीशन, देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।